हेलो एवरीवन, वेलकम टू आंजनेयास किचन वर्ल्ड। आज हम बनाएंगे कुट्टू के परांठे और धनिया की हरी चटनी। आप कुट्टू के परांठे किसी भी व्रत में बना सकते हैं। इनसे पेट भी भरा भरा रहता है और पौष्टिक भी बहुत होते हैं, और ये बनने में भी बहुत ही आसान होते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं और सबको पसंद आते हैं। तो चलिए आज कुट्टू के परांठे बनाते हैं हरी चटनी के साथ। आपको देखिए, ये हरी चटनी भी बहुत पसंद आएगी और ये बनने में भी बहुत कम समय लगाती है। तो चलिए बनाते हैं हरी चटनी और कुट्टू के परांठे। मैंने आलूओं को धोकर और एक सीटी लगाकर बॉईल करके छील कर रख लिया है। सारे आलू छीलने के बाद मैंने यहाँ ग्रेटर की हेल्प से आलूओं को ग्रेट कर लिया है। आप हाथ से भी फोड़ सकते हैं। सारे आलूओं को इसी तरह से ग्रेट कर लेना है। देखिए, सारे आलू इतनी आसानी से ग्रेट हो गए हैं। अब सारे आलू ग्रेट करने के बाद इसमें डालेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया। मैंने यहाँ 1/2 किलो आलू लिए हैं। उसकी क्वांटिटी के आधार पर आपको मसाले लेने हैं। और यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाला है और साथ ही डाला है व्रत वाला सेंधा नमक। मैंने यहाँ 1/2 चम्मच लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और तभी मैंने ऐड किया है कुट्टू का आटा। ये लगभग 100-150 ग्राम आटा होगा। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें वैसे तो इनमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपको पानी डालने की ज़रूरत पड़े, थोड़ा सा आपको टाइट लगे, तो आप बहुत कम हल्का सा पानी, थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, जिससे कि इसका डो आसानी से बन जाए। इसी तरीके से हम धीरे धीरे आटे का रफली डो तैयार करेंगे। रफली डो को अब हम ढककर रख देंगे कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। और तब तक हम तैयार करते हैं धनिया की चटनी। धनिया की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम धनिया को धो लेंगे और थोड़ा सा धनिया लेंगे और उसमें डालेंगे थोड़ी सी मूंगफली, थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का कटा हुआ छीलकर और 2 हरी मिर्च तोड़कर डालेंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 चम्मच इसमें हम दही डालेंगे और साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा टेस्ट के अनुसार सेंधा नमक, जो हम व्रत में लेते हैं। आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और तभी हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पुदीना। आप अगर पुदीना नहीं खाते हैं व्रत में तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नींबू का रस। और अब हम इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि धनिया की चटनी कितनी बढ़िया और टेस्टी बनी है। देखिए, बिल्कुल, अगर आपको थोड़ी सी पतली चटनी चाहिए तो आप इसमें हल्का सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ ऐड नहीं किया है। और ये चटनी मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको थोड़ी सी पतली चटनी चाहिए तो उसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए, 2-4 चम्मच। देखिए कितनी बढ़िया और परफेक्ट चटनी बनी है। अब हम चलते हैं आटे की तरफ, क्योंकि हमारी चटनी बनकर तैयार है। आटे को भी रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और आप देखेंगे कि आटा थोड़ा सा ठीक हो गया है। अब हम इसमें घूंसे लगाएंगे, इसे अच्छे से गूंथेंगे दोबारा से, ताकि ये एकदम बढ़िया और चिकना हो जाए। इसके लिए इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी। मैंने यहाँ देसी घी का यूज़ किया है। अब हम इसे अच्छे से गूंथेंगे, सारा घी इसमें मिक्स हो जाएगा और हमारा आटा भी एकदम चिकना हो जाएगा। इसी तरह से अब हम इसको 5 मिनट अच्छे से घूंसे लगाएंगे और अच्छी तरह से चिकना करके गूंथ लेंगे। आप देख सकते हैं कि घी डालने के बाद हमारा आटा कितना चिकना हो गया है और कितनी आसानी से गूंथ रहा है। इसी तरह हम 5 मिनट तक सारे आटे को गूंथ लेंगे। आटा गूंथने के बाद अब हम थोड़ा सा आटा लेंगे, उसकी इस तरीके से लोई बनाएंगे। हल्के हाथों से लोई बनानी है, बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से। और इसी तरह से हल्के से लोई बनाते हुए थोड़ा सा कुट्टू का ही सूखा आटा लेंगे और उसी के ऊपर हम सूखा आटा डालकर बड़े आराम से, धीरे धीरे, सॉफ्ट हाथों से ही इसे बेलेंगे। इस तरीके से हमें रोटी बनानी है। सॉफ्ट हाथों से ही बेलना है। अगर आप इसे टाइट हाथों से बेलेंगे तो ये वहीं पर चिपक जाएगा।
इस तरीके से देखिए हमारी रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम बड़े धीरे से आराम से रोटी को उठाएंगे, एकदम नहीं उठाना जैसे हम गेहूं की रोटी बनाते हैं। अगर हम इसे एकदम उठाएंगे तो ये टूट जाएगी, इसे बड़ी ही सावधानी से और धीरे धीरे करके हाथों से उठाना है। अब हम तवे पर लगाएंगे थोड़ा सा घी, गैस फ्लेम को फुल रखेंगे और सारे तवे पर ऐसे अच्छे से घी को फैला लेंगे और बड़े आराम से धीरे से बड़े सावधानी के साथ हम रोटी को तवे पर रख देंगे इसी तरीके से। और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही धीरे धीरे पकाएंगे जिससे कि कच्ची ना रहे और अच्छे से पक जाए। और चाकू की सहायता से या फिर एक चमचे की सहायता से हम चारों तरफ से इसको नीचे से ऐसे हटाएंगे जिससे कि ये चिपक ना जाए तवे पर, और बड़े आराम से धीरे धीरे इसको पलट देंगे। अब हम परांठे पर लगाएंगे घी बड़े आराम से। सारे परांठे पर घी लगाने के बाद अब हम इस परांठे को उलट पलट करते हुए सेक लेंगे। हमें ये मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है जिससे कि हमारा परांठा कुरकुरा रहे, और बड़े धीरे से इसे पलटना है जिससे कि ये टूटे ना। अब हम दूसरी तरफ भी ऐसे ही घी लगाएंगे और ऐसे ही धीरे से उलट पलट करते हुए परांठे को कुरकुरा होने तक सेक लेंगे। देखिए परांठा कितना कुरकुरा और बढ़िया तैयार हुआ है। अब आप इसे प्लेट में निकाल लीजिए। इसी तरह से हम सारे परांठे तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं कि परांठे कितने टेस्टी बने हैं और कितने कुरकुरे बने हैं। एक बार आप मेरे इस तरीके से कुट्टू के आटे के परांठे बनाकर देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और आप हर बार इसी तरीके से परांठे बनाएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस तरीके से एक बार कुट्टू के आटे के परांठे बनाकर ज़रूर देखिएगा। और नवरात्रों में या किसी भी व्रत में आप इनको बनाकर खा सकते हैं। इससे आपका पेट भी भरा भरा रहेगा और आपको भूख भी नहीं लगेगी और आप व्रत अच्छे से कर पाएंगे।